नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के बारे में। तो जैसे ही चंडीगढ़ का नाम आता है ना, तो यार जिन लोगों को पता है ना चंडीगढ़ के बारे में, वो बड़ा खुश होंगे कि भाई मेरा एडमिशन हो जाए बस इस कॉलेज के अंदर। तो हमेशा की तरह विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो कितने नंबर पर आपको मिलेगा, क्या रैंक है इस मेडिकल कॉलेज की, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी क्या, विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So, अगर हम स्टार्ट करें इस मेडिकल कॉलेज की हाईलाइट से, सो भैया दिस मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1991। दिस इज एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन से। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑफर्ड कोर्सेज, तो यहाँ पे MBBS है, पैरामेडिकल कोर्सेज में 4 कोर्सेज अवेलेबल है, PG कोर्सेज के अंदर यहाँ पे 22 कोर्सेज अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के अंदर 3 कोर्सेज अवेलेबल है। सो अगर आप चाहते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी बताई जाए इस वीडियो के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियोज क्रिएट करना शुरू कर सकता हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर। सो इफ वी टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, भैया चंडीगढ़ के अंदर है ये मेडिकल कॉलेज एंड इसका जो कैंपस है वो लगभग 5.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो आपको इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं पर्सनली इस मेडिकल कॉलेज का फैन हूँ ड्यू टू इट्स लोकेशन, इट्स रैंकिंग, यहाँ पे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स सो जो इस मेडिकल कॉलेज को बहुत ही अच्छे लेवल का बनाते हैं। तो लेट्स मूव टू द MBBS सेक्शन। तो भैया नीट UG का एंट्रेंस देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो, तो नीट UG के थ्रू होता है पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस। तो यहाँ पे MBBS की सीट्स हैं 150 एंड इन सीट्स पे जो फी है वो 24979 रुपीज पर ईयर की है। तो तुम सोच रहे हो मेरे को 79 को प्रोनाउंस करना नहीं आता, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरी मैथ बहुत अच्छी है। तो 24,979 रुपए यहाँ पे पर ईयर की फी है। लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ सेक्शन। तो भैया Guys, I have some important information for you. तो अगर आप जानना चाहते कि आप जिस भी स्टेट से आते हो, उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की क्या रैंक है, कितने नंबर पे आपको वो मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, ओवरऑल इंडिया में स्टेट में उस मेडिकल कॉलेज की क्या रैंक है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स है और मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 9 रुपए में, जो कि है एक लेज के पैकेट से भी कम कुछ। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 9 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आ जाइए, सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स हैं ईयर 2022 एंड ईयर 2023 के, माफ कीजिएगा 2023 के। सो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल देखो, जनरल की बात करते हैं तो 2022 में 690 नंबर गए थे आउट ऑफ 720 एंड 2023 में यहाँ पे इंक्रीज आता है एंड ये हो जाता है इंक्रीज होके 695 नंबर, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, नंबर 720 में से 695 आ रहे, इससे आइडिया लगा सकते हो तुम कॉलेज का क्या लेवल है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ST की, तो देखो 606 नंबर गए थे 2022 के अंदर एंड थोड़ा सा 2 नंबर का इंक्रीज आता है और 608 नंबर हो जाते हैं 2023 के अंदर। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से समझिए कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भाई ये फर्स्ट राउंड के स्कोर से, बाद वाले जो राउंड्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आता ही है डेफिनेटली, मार्क्स पे भी, रैंक्स पे भी, एंड ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी सपोर्ट की। तो देखो व्हाट्सएप पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, यानी कि अच्छा ज्ञान का व्हाट्सएप पे भी चैनल है और हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स की। तो बहुत सारे ऑलरेडी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक दो क्लिक करने पड़ेंगे और उसके बाद यू विल बी ऑन द चैनल। सो लेट्स मीट ऑन द व्हाट्सएप चैनल, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो यार, इसके बहुत सारे, बहुत ज़्यादा पिक्स अवेलेबल है नहीं गूगल पे, तो जो मिले थे हमने वो डाल दिए यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो अगर आपके यहाँ पे एडमिशन होता है तो यू कैन डू टू थिंग्स, या तो आप खुद से अपलोड कर दीजिएगा गूगल पे जाके इस कैंपस के फोटोज़ को, या फिर यू कैन शेयर विद मी, आई विल अपडेट, ओके। सो डैट यार किसी को अगर एडमिशन लेना है तो जिसको एडमिशन लेना है भाई, उसको एटलीस्ट अपने कैंपस का तो पता होना चाहिए ना कि कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है। तो ये काम करते हैं और उसके बाद ये आई थिंक कोई नई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, उसके फोटोज है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये मेडिकल कॉलेज ठीक ठाक है, आई थिंक इसमें नई इंफ्रा बन रही है इसकी पूरी की पूरी।
ठीक है, तो आपको इसकी इंफ्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में, तो देखो ऑल इंडिया में इस मेडिकल कॉलेज की 10 रैंक है। सो नंबर से पता चलता है 695 नंबर मिल रहा था, तो रैंक तो भाई डेफिनेटली आप ऊपर होनी है। स्टेट रैंक के का कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वी कांट कमेंट ऑन दिस। ओके जी, अब अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड एंड स्टाइफंड की, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, जैसे एम्स में आपके लिए कोई मैंडेटरी रूरल कंपलसरी सर्विसेज वगैरह नहीं होती, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं है। एंड यू विल गेट अ स्टाइफंड ऑफ 18,000 रुपीज, जो कि हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टाइफंड से ज़्यादा है, वहाँ पे 17,000 मिलता था, यहाँ पे 18,000 है। आप इस स्टाइफंड का क्या करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।